अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HFN एंटरटेनमेंट। वंस अगेन मुजम्मिल भाई के फार्म पे, जिनके फार्म पे आपको खरगोश दिखाए थे, डिफरेंट स्पीशीज थी खरगोशों के अंदर, आज आपको हम लोग शामूफ दिखाएंगे मुजम्मिल भाई के। उसके अलावा फैंसी है, उसके अंदर फ्रामा है और लेमन कुचीन है, इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ डॉग्स भी हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। मुजम्मिल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी जगह पे फार्म है, वहाँ पे नहीं है, डिफरेंट प्लेस पे है। मुजम्मिल भाई यहाँ पर कौन कौन सी ब्रीड सिस्टम आपके पास अवेलेबल है? इस टाइम पे मेरे पास यहाँ पे शामूज है, लेमन कोको कुचीन हैवी है, लेमन कोको कुचीन हैवी। उसके अलावा मेरे पास गोल्डन बैटरी कुचीन हैवी है। अच्छा। सिरामाज है, सही है, फुल जेट ब्लैक कलर में सिल्कीज है। अच्छा। उसके अलावा मेरे पास रशियन और लॉब्स है, जमाटू है, जमाटू और उसके बाद डॉग्स भी हैं आपके पास? डॉग्स बस शौक के लिए रखे हैं, डॉग शौक के लिए रखे हैं। अच्छा, ये जो सेटअप है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा करेंगे, भी फिलहाल छोटा है, लेकिन 1+6 फीमेल्स बहुत ज्यादा नहीं हो जाती? एक और मेल है, वो थोड़ा रेडी हो रहा है अभी, अभी नया नया खरीदा है। फर्टिलिटी आ रही है इसके अंदर बहुत अच्छी, 1+6 आ रही है। और आप तो एक और ब्रीड के साथ भी इसको लगा रहे हैं ना? वो हम रशियन और लॉब्स का लगा रहे हैं। फोर फीमेल्स हैं तो 1+10 फीमेल्स, क्या डाइट दे रहे हैं भाई इसको आप? चल जाता है, अच्छा चलता है। अच्छा, चलिए डाइट क्या दे रहे हैं? डाइट नॉर्मल ऑर्गेनिक फीड चलती है। अच्छा, साथ में मल्टीविटामिन चलते हैं। पहले हम आपके केजेस दिखाते हैं, आप लोग आ जाएं, आपको केजेस दिखाते हैं पहले, उसके बाद इनके बर्ड्स दिखाते हैं किस तरह से ये फार्मिंग कर रहे हैं। तो मुजम्मिल भाई हैं हमारे, ये वाले, ठीक है। अच्छा मुजम्मिल भाई, ऊपर वाला डोर खोलें जरा, ओपन करिए वाला डोर, ये वाला। बड़े ऊंचे केज बना लिए भाई ये, बस सफाई के लिए तो स्पेशल बच्चा अंदर भेजना पड़ता होगा, खाने के लिए भी बंदा अंदर भेजना पड़ता है, खाने के लिए भी अंदर जाता है रोज ही? हाँ, सुबह शाम। अच्छा, इसके अंदर तीन पीस हैं, नजर नहीं आ रहे थे, एक मेल है, दो फीमेल है, 1+2 है यहाँ पे, एक ट्रायो है, यानी कि पूरा कोई शॉपिंग बैग वगैरह कुछ इस तरह का है कि ये पीछे चले गए? अच्छा, जेट ब्लैक सिल्की है और गर्दन के नीचे आप उसकी देख सकते हैं कि एक पूरी झालर बनी हुई है, और मुझे लग रहा है कि रिंग बर्ड है, इनसे पूछते हैं, रिंग बर्ड है मेरे पास, सारे रिंग बर्ड हैं। अच्छा, सिल्की के अंदर बड़ा साइज अच्छा लगा कि छोटा? बड़ा साइज मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जेट ब्लैक है, कोई कलर और नहीं है, कॉम बहुत अच्छा है इसका, गर्दन के नीचे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से झालर बनी हुई है, और उसके बाद पाँव की उंगलियों के ऊपर भी अच्छे खासे बाल हैं यहाँ पे। मुजम्मिल भाई, ये बाहर आ सकते हैं? आ सकते हैं, ताकि हम लोग इसको अच्छे से देख सकें। जब तक ये बाहर आते हैं, तब तक मैं आपको इनका अगला केज दिखाता हूँ। ये एक क्रॉस ब्रीड मिक्स की हुई है, तो इसके बारे में भी इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्या चीज़ है, कैसे बनाई गई है ये। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सिरामास नज़र आ जाएंगे, और सिरामास के जो हैं चिक्स भी अवेलेबल हैं, ये देखें यहाँ पर आपको सिरामास नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 1+3 हैं सिरामास यहाँ पे। और उसके बाद लेमन जो बता रहे थे, ये कुकू कुचीन लेमन, ये आपको नज़र आ रहे हैं, 1+3 पीस है यहाँ पर। वैसे जो है ज़्यादातर 1+2 रखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने 1+3, 1+4 और 1+6 तक लगाए हुए बर्ड्स। अभी वहाँ पे बर्ड्स बाहर आ चुके हैं, और बाहर जाके आपको दिखाता हूँ, मतलब बाहर छोड़ दें इनको। अच्छा जी, हम लोग ये देखें, ये केजीज के साइज़ हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर केजीज हैं इनके। बहरहाल हम लोग बाहर वाली साइड पे जाते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, माशाल्लाह से क्या बात है, बेहतरीन क्वालिटी। और आप लोग खुद ही कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी है क्वालिटी। ये मुजम्मिल भाई, लेंग क्या आ रही है इसकी? इसकी लेंग मेरे पास तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन, सुनने में आया कि सिल्की जो है लेंग कम देते हैं। नहीं, ठीक चल रही है मेरे पास, आपके पास अच्छी लेंग आ रही है, इनको भी मेल को इस तरफ भेजें जरा। अच्छा, जो वो आते हैं ना तस्वीरों में नजर आते हैं सिल्कीज वगैरह, गूगल पे सर्च करते हैं इम्पोर्टेड पीस, वो लाइव सामने देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। इसकी ये जो बांग मारता है, इसके अंदर से मुंह भी काला है, जुबान भी काली है इसे। तो इसका गोश्त कैसा है? गोश्त तो नॉर्मल ही है जैसे होता है। अगर इसको हम आम सुमानी के साथ लगाएं, नई चीज ही बनेगी, क्योंकि इसकी ऊपर देखे ना कॉम का फर्क है बहुत बड़ा, हेड का भी, कॉम भी ब्लैक है, कॉम भी ब्लैक है, बहुत आला चीज है माशाल्लाह। ये चेक करें तो इनको बंद करवा दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, यहाँ पर आपको शामू नजर आएंगे माशाल्लाह से, पट्ठा चेक करें, ये
और आप लोग बताएं किस क्वालिटी का है ये शामू, आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि आप लोग भी अब देख देख के माशाल्लाह से एक्सपीरियंस वाले सारे हो चुके हैं। मेरा ख्याल है ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको फेस चेक करें, बीप टू कॉम, लेग्स वगैरह चेक करें इसकी, और यहाँ पर आप फीमेल्स देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह से वन प्लस सिक्स फीमेल्स यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी इस टाइम। अच्छा मुजम्मिल भाई ये कहाँ की ब्रीड है? ये भी जर्मनी से ही आए हैं सब, सबके सब जर्मनी से हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे पर सब जाए। मुजम्मिल भाई इसके बारे में बताएं। ये गोल्डन पेट्रेज कोचीन हैवी है। गोल्डन पेट्रेज कोचीन हैवी। पाकिस्तान में जो है ना ब्राह्मा वैसे बड़े होते हैं, पाकिस्तान में ब्राह्मा ऐसे छोटे ही आपको नजर आएंगे। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज, चौड़ाई में बहुत ज्यादा है इसकी। एक ये वैसे कोचीन होती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती। ये बर्ड लेसन है, दुनिया का नंबर ब्रीडर है। ये उसकी ब्लड लाइन से है। ये भी रिंग बर्ड है, डायरेक्ट उसी से आए हुए हैं। तो ये माशाल्लाह इसका साइज आप देख लें, काफी लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े साइज में, बहुत जॉइंट साइज है भाई, मोटे बहुत हैं। कुछ जो है ना ब्राह्मा जो है ऊंचे बहुत होते हैं। ये किसी चीज से कंपेयर करेंगे ना, किसी साइज से कंपेयर करेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ये माशाल्लाह कितना बड़ा है। मुझे लग रहा है, पता मुझे नजर आ रहा है माशाल्लाह। क्या वेट है इसका, कोई वेट वगैरह किया लोगों ने? इसका मैंने वेट कभी नहीं किया। क्या अंदाजन वेट होगा इसका मैक्सिमम? मेरे ख्याल में 6-7 किलो का होगा। और एज क्या जा रही है इसकी? ये अभी ये ब्लैक रिंग्स में है। ब्लैक रिंग्स के अंदर है, यानी कि 19 20 का लिंग है। 20 का रिंग है। पट्टे पट्टी हैं ये एक तरह से। ये आप लोग देख सकते हैं एक जाइंट साइज के अंदर आपको ट्रायो नजर आ रहा है, और नेक्स्ट ट्रायो भी आ रहा है साथ ही, लेकिन आपको साथ ही ये भी दिखाते हैं माशाल्लाह से। आप अगला ट्रायो ले भाई, चीजें इनके पास थोड़ी हैं लेकिन है क्वालिटी में माशाल्लाह। थोड़ा रखा हुआ है पर अच्छा रखा हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। ये देखें, ये चेक करें जरा, बर्ड्स बहुत अच्छी क्वालिटी में है। जी मुजम्मिल भाई, ये माशाल्लाह लेमन कोको कुचीन हैवी है। लेमन कोको कुचीन हैवी के साथ कंपेयर मतलब ना कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इस पे वाज़े आपको लेसिंग नजर आएगी, डॉट्स बने हुए ऊपर, ये देख रहे हैं इसकी जी डॉट्स है इसके ऊपर। ये भी सेम उसी अंदर के पास से आई हुई है। किस ब्रीडर से आई हुई है? बर्ड लेसन। बर्ड लेसन, बर्ड लेसन, बर्ड लेसन। ये नीदरलैंड का है। नीदरलैंड के ये माशाल्लाह दुनिया के। अजय फीमेल है, मुझे उन फीमेलों से ज्यादा बड़ी लग रही है। हाँ जी थोड़ी बड़ी है साइज में। और मेल किस रिंग है जी? जी किस, चारों के चारों पीस ब्लैक रिंग में, चारों के चारों पीस माशाल्लाह ब्लैक रिंग के अंदर है। और लिंग स्टार्ट है जी? जी इसकी लिंग आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये मुर्गियां मेरे ख्याल में क्रुक पे हैं। अच्छा क्रुक भी करती हैं? सही है, कुछ टाइम अंडा देती हैं फिर क्रुक बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद क्रुक तोड़ते हैं। अच्छा इसकी सालाना लिंग क्या आपने चेक किया? नहीं अभी मुझे साल नहीं हुआ। नहीं मतलब वो गूगल पे क्या देखा आपने? मेरे ख्याल में 100 something है। बहुत अच्छे लेयर्स नहीं होते ये। ठीक है, ये बस कह लेंगे गुलारे वाले लेयर्स होते हैं। ये देखें जी, और मिनिमम टेम्परेचर क्या चाहिए इनको? मिनिमम मैंने अभी फिलहाल गर्मियां फेस नहीं की इनके लिए, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में सरवाइव करेगा ये, इस जगह पे सरवाइव कर जाएगा क्योंकि हमने कमरे मिट्टी के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो रेत भी आपने डाली हुई है साथ? रेत भी है नीचे, उसके अलावा हम वेंटिलेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं यहाँ अंदर से, दिखाते हैं ना। हाँ आ जाए, ये खिड़की यहाँ पे है, ये हमने अभी फिलहाल बंद की क्योंकि रात को बहुत ठंड हो जाती है। अभी आप आए हैं सुबह, आपके सामने ही था कितनी ठंड है यहाँ पे। जी जी, उसके अलावा ये पीछे हमने एग्जॉस्ट बनाए हुए हैं, दो तीन वहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे एग्जॉस्ट कर देंगे। अच्छा, ये सामने क्योंकि दो खिड़की है, ये है सामने सारा सब्जा है, जब ये वेंटिलेट करेगा तो बहुत अच्छा टेम्परेचर हो जाएगा। और आपको नजर आ रहा होगा बॉल्स पे सारी पे मट्टी लगी हुई है, अंदर भी और बाहर भी। ये क्या वजह है? ये इंसुलेटर है ना, गर्मियों में और सर्दियों में दोनों टाइम पे बचाई गई ताकि हीट अंदर ना आए। बिल्कुल, और छत भी देखे हमने वो वाली बनाई हुई है जो दूसरी काना कानों वाली खिड़की की, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है। सेकंड ये कि नीचे हमने रेड डाली है, इसको गीला भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है हमारे पास, रेत भी डाली हुई है। ठीक है, अच्छा ये जो आपने एक म्यूटेशन तैयार की है इसके बारे में बताएं कुछ। ये असल में ना एक्सीडेंटली तैयार हुई है। इसको ओपन करें जरा, क्योंकि अच्छा
अच्छा ये म्यूटेशन के बारे में बताएं, ये क्या चीज है? ये रशियन ओरलोफ और शामू के क्रॉस में है। पहले हम लोग रशियन ओरलोफ दिखाते हैं ताकि लोगों को थोड़ी समझ आ जाए। ओरलोफ भी बेसिकली ना एक फाइटर है, ठीक है। अभी इसकी मुर्गियां भी आपस में बहुत ज्यादा लड़ती है। ये देखें जी, ये है रशियन ओरलोफ। ये देखो इसकी, इनके पास 4 फीमेल्स हैं, मेल नहीं है इनका आपके पास? मेल नहीं, मेल एक्सपायर हो गया, 3 तो इसीलिए शामू के साथ आपने लगाया इसको। ये मैंने बताया ना कि एक्सीडेंटल म्यूटेशन है, ठीक है। हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो फिर हमने हिसाब लगाया अपनी तरफ से कि ये जो है कुछ ना कुछ तो निकलवाए। नहीं, क्योंकि क्लियर लेग्स हैं, जैसे जुड़ते हैं, पोजीशन सेम है इनका। मेल ना तकरीबन शामू की तरह का ही होता है, मैंने देखा हुआ इनका मेल काफी नीचे गर्दन के बड़ा होता है, इसकी झालर टाइप होती है। ये तो भी गीली हुई है ना गर्दनें इनकी, तो वो सही से नजर नहीं आ रहा। ये थोड़ी वो है, बीमार है। अच्छा ये मदर्स हैं इनकी, बच्चों की, और फादर जो है वीडियो के दरमियान में जो स्टार्ट में आपको दिखाया वो है, तो उसमें से रिजल्ट जो है वो ये निकला है। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, उसमें से रिजल्ट ये निकला है, ये बच्चे निकले हैं। और आप लोग ये बताएं कि क्या बनेगा ये। अच्छा इनकी मुझे लग रहा है गर्दन के ऊपर जो है ना पर आएंगे, लेकिन कम आएंगे। नहीं, कुछ बच्चे हैं जिनके बिल्कुल क्लियर भी है, बिल्कुल क्लियर आए हैं, लेकिन कलर बड़ा डिफरेंट निकला है, कीड़ा सा कलर निकला है, कुकू टाइप निकला है, पर कुकू नहीं है, डिफरेंट म्यूटेशन है। मेरा ख्याल है पहले किसी ने लगाई भी नहीं है ये, बस पहली दफा हमने ही किया ये कुछ। और सेकंड ब्रीड के अंदर ये कुंदे शुंदे भी उठा लेंगे अपने, हो सकता है। अब इसके अंदर मेल भी नजर आ रहे हैं, फीमेल्स भी नजर आ रही हैं। अच्छा और कौन से बच्चे हैं इसके अंदर इस टाइम? इसके अंदर सिल्की के बच्चे हैं, गोल्डन पेट्रेज कोचिन, ये वाला गोल्डन पेट्रेज का बच्चा है। इसके अलावा इसमें 2-3 जमाटू के बच्चे हैं, 2-3 स्प्लैश के बच्चे हैं। अच्छा गोल्डन पेट्रेज जो है उसकी क्या वैल्यू होगी? हम चूजा सेल करते हैं, 14 दिन का चूजा जो है ना, हम 2500 का सेल करते हैं। 2500 रुपए का 14 दिन का, ओल्ड वगैरह चूजे नहीं देते। और शामू का जो है? शामू का 10,000 का देते हैं हम 14 दिन के बच्चों का। अपना तो रूल यही है भाई, हैचरी से उठवा देते हैं, अपने पास जगह ही नहीं रखने की। फिलहाल मैंने ज्यादा सेलिंग नहीं की अभी तक ना, देखिए काफी सारा स्टॉक है इसके अंदर, ये रोका हुआ मैंने, घर पे भी एक ब्रूडर रखा हुआ, उसके अंदर भी है। सही है, तो ज्यादातर अभी जगह सेलिंग नहीं की। सरामा की मैंने सेलिंग की है, सरामा दिखाए अपने, बच गया सर, बच गया। ये सरामा है, ये इनके सरामा 1+3 है, 1+3 है, और यही है जी, बस यही है, इनके बच्चे हैं मेरे पास हैं। आगे जितनी भी बच्चे हैं वो सारी ब्रीड ली है आपने? हाँ जी, बस अब ब्रीड है, वो ब्रीडर बन गए अभी, वो भी बांगे चांगे मारने शुरू हो गए। बाकी यार आपका सेटअप देख के मजा आया, और आपकी जब न्यू म्यूटेशन आएगी इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाएंगे ऑडियंस को, इंशाल्लाह उसमें मजा आएगा सबको देख के इंशाल्लाह ताला। और भाइयों आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आप भी कह दो यार। हाँ जी, हसन भाई के चैनल को अच्छे तरीके से सब देखा करें, अच्छे कंटेंट देते हैं ये, मैं भी इनका चैनल फॉलो करता हूँ काफी टाइम से। लोगों का ना हसन भाई को वीडियो भी डाला करें, हसन भाई वीडियो नहीं डालते, बस वो देखें अच्छी वीडियो बनाने में, अच्छे बंदे ढूंढने में टाइम लग जाता है, कंटेंट क्रिएशन इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।